दोस्तों अगर आपके इंस्टाग्राम की रील्स पर पहले की तरह व्यूज़ और लाइक्स नहीं आ रहे हैं, बट अब से पहले अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक्स आते थे, ऐसा ही हाल पोस्ट का भी है, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। और दोस्तों ये फ्रीज होता कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप अगर अपने इंस्टाग्राम पर रेगुलर वर्क नहीं करोगे, रेगुलर बने नहीं रहोगे और आप उससे काफ़ी गैप लेते हो, कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 4 दिन में एक रील्स अपलोड कर देती है, तो इससे भी दोस्तों आपके अकाउंट की रीच जो है वो काफ़ी डाउन हो जाती है और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। दोस्तों आप और भी काफ़ी सारी गलतियां कर देते हो जिसका आपको मालूम भी नहीं होता, जाने अनजाने में आपसे हो जाती है। दोस्तों आप क्या करते हो, आप अपने रील्स जो है अपलोड करते हो और आपको लगता है कि आपके इस रील्स पर तो भाई अच्छे लाइक्स अच्छी व्यूज़ आए नहीं है, चलिए ये बेकार है, इसको डिलीट मार देते हैं और दूसरी डाल देते। इससे भी आपकी जो है अकाउंट की रील्स जो होती है उनका जो रिच होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, इससे भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और भी काफ़ी सारी गलती होती है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक नहीं है कि मैं आपको इसकी सारी जो है कमियां बता हो जाऊं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने अकाउंट को फ्रीज से अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं। आपको बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं या ये कहिए आपसे एक रिक्वेस्ट और कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की न्यूज़, आपको इसी तरह के YouTube टिप्स और काफ़ी सारी नॉलेज भरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आप बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक भी कर देना। दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि बताता हूँ मैं आपको कैसे आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और कह दूं, आपको इंस्टाग्राम को ही एक रिपोर्ट भेजनी होगी, आपको उसको बताना होगा कि मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, पहले ऐसा था अब ऐसा है, वो सारी बातें उसको बतानी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बताएंगे और कैसे समझाएंगे, ठीक है, कैसे आप रिपोर्ट करेंगे इंस्टाग्राम को। और दोस्तों ये सब अगर आप सही तरीके से सही ढंग से आप समझ के कर लेते हैं तो आपका जो है अकाउंट 100% आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं लेते, तो अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम हमारा ओपन हो चुका है, दोस्तों चलते हैं अपनी प्रोफाइल पर। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको पता करना होगा कि भाई आपका अकाउंट रियल में फ्रीज है या नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्तों रील्स पर चलते हैं और आप अपनी प्रेजेंट में जो रील्स हैं आप उनको देखिए, उन पर आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। आपको लगता है कि भाई जो मैं पहले रील्स अपलोड करता था उन पर बहुत अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक आ जाते थे, बट अब नहीं आते, तो समझ लीजिए दोस्तों आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग आपके जो लाइक्स और व्यूज़ हैं बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने इसमें गलती की होगी। इसी तरीके से आप अगर पोस्ट करते हैं तो अपनी पोस्ट को ओपन करके देखिए, ठीक है, मैंने इस पर कोई भी पोस्ट नहीं जो कर रखी है, मैं बहुत ही कम पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट पर कितने लाइक अब हैं और अब से पहले कितने लाइक्स आते थे, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपका अकाउंट रियल में फ्रीज है। अगर बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी इस प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। इसके बाद दोस्तों रील्स और पोस्ट दोनों के लिए सेम ही सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आप दोनों के लिए एक ही समझिए। इसके बाद आप अपनी रील्स पर आ जाइए जो प्रेजेंट की है, उनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप और रील्स पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए जहां पर आपको लगता है कि बट यहां से मेरी रील्स पर अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक्स आते थे, ठीक है ना, तो आप एक वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसा आपको लगता हो, ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों करना क्या है, हमें सबसे ऊपर 3 डॉट पर चलते हैं, सेटिंग्स पर आ जाते हैं, हेल्प पर चलते हैं, ऊपर देख पा रहे हो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना और सबसे नीचे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद दोस्तों तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट में भी काफ़ी सारी बातें लिखनी होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, आप गैलरी में जाइए,
गैलरी में जाने के बाद जो हमने स्क्रीनशॉट लिया अपनी प्रोफाइल का, सबसे पहले उसको यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद फिर से गैलरी में आ जाइए, जो आपने अपनी रील्स की जो है स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें कम व्यूज़ थे उसको आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। इसके बाद फिर से गैलरी में आते तो आप तीसरे स्क्रीनशॉट को ले लेते हैं यहाँ पर, जिस पर अच्छे व्यूज़ और लाइक आते थे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर तीनों स्क्रीनशॉट लग चुके हैं। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट में काफ़ी कुछ टाइप करना होगा, वह मैं आपको बता देता हूँ क्या टाइप करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर टाइप करना होगा, हेलो इंस्टाग्राम टीम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आई फील दैट माई अकाउंट हैज़ बीन फ्रीज, आई फॉलो विड ऑल यू टर्म्स एंड कंडीशन बट स्टिल माई अकाउंट बीन फ्रीज, व्यूज आर नॉट ग्रोविंग ऑन एवरी वीडियो, आई एम सपोर्टिंग सो प्लीज़ हेल्प मी, आई होप यू सॉल्व माई प्रॉब्लम क्विकली, थैंक यू। दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा मैटर लिख देना होगा यहाँ पर। आपको अगर अभी भी मेरा ये मैटर समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये पूरा मैटर दे दूंगा, आप वहाँ से देख कर इसको यहाँ पर टाइप कर लेना, अब आपको कुछ नहीं करना। सबसे ऊपर देख पा रहे हो ब्लू सबमिट, आप यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। मैं इसको सबमिट नहीं करूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बट अगर आपको लगता है आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो, तो आप इस ये सब जो है यहाँ पर काम कंप्लीट करने के बाद अब इसको सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट इंस्टाग्राम टीम के पास पहुंच जाएगी और बहुत जल्द आपकी इस समस्या का निवारण भी हो जाएगा। बट दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पर रेगुलर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भाई हम इंस्टाग्राम पर रेगुलर नहीं रह सकते तो आप इस सबको मत करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।